मैनपुरी यूपी की पॉलिटिक्स में सपा का सबसे मजबूत किला, मुलायम परिवार का सबसे मजबूत सियासी गढ़। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के गढ़ मैनपुरी में चुनाव की विसात दिलचस्प हो गई है, क्योंकि सपा प्रत्याशी और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के सामने बीजेपी ने यूपी सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाकर चुनावी रणभूमि में उतार दिया है, जिसके बाद इस हॉट सीट का सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। और कहा जा रहा है कि मैनपुरी का ये महामुकाबला इस चुनाव में बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। मैनपुरी लोकसभा सीट को सपा का गढ़ कहा जाता है। 1996 के बाद से ही सीट पर सपा के प्रत्याशी लगातार चुनाव जीत रहे हैं। 2014 में बीजेपी ने प्रदेश में 71 और 2019 में 62 सीटें जीती थी, लेकिन मोदी लहर के बावजूद बीजेपी मैनपुरी सीट नहीं जीत पाई। और मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में मुलायम की बहू और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव यहां से सांसद बनी, और आगामी लोकसभा चुनाव में भी सपा ने एक बार फिर मैनपुरी से डिंपल यादव को ही अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन इस बार यह चुनाव एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। अपर्णा यादव के नाम के कयासों के बीच पार्टी ने मैनपुरी सीट से मौजूदा विधायक जयवीर सिंह ठाकुर को डिंपल के सामने उतार दिया है। पहले आप जयवीर सिंह को सुनिए, जो टिकट के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता, जिन्होंने जयवीर सिंह के ऊपर विश्वास प्रकट करते हुए मैनपुरी ऐसे जो किले को, जो समाजवादी पार्टी अपना गढ़ कहती है, उसको ध्वस्त करने का जिम्मा दिया है। निश्चित रूप से अब वो किला ढहेगा। इससे पहले भी मैनपुरी सदर विधानसभा क्षेत्र भी इनका किला रहती थी, जिसको ढहाने का काम 2022 में जयवीर सिंह ने किया और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठे हैं। जयवीर सिंह ठाकुर ने जहां एक तरफ पीएम मोदी का शुक्रिया किया, वहीं दूसरी ओर सपा के मजबूत किले को ध्वस्त करने की बात कही। देश की जनता, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए 80 के 80 सीटें जिताने का मन बना रही है, और निश्चित रूप से उसी में मैनपुरी 80 में शामिल है। मैनपुरी पे इस बार कमल खिलेगा, बहुआ लहराएगा। आप देख ही रहे हैं, अब हम उससे क्या टिप्पणी करें कि आए दिन लोग भागते चले जा रहे हैं, और इस बार ऐसा लगता है कि चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, जीरो पर आउट होंगे, अब कोई यहां नहीं होने वाला 80 की 80 सीटों पर। जयवीर सिंह ठाकुर क्षत्रिय समाज से आते हैं, और मैनपुरी के जातिगत समीकरण साधने के बाद ही बीजेपी ने यह फैसला लिया है। आपको मैनपुरी सीट के जातिगत आंकड़े भी दिखाएंगे, लेकिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मैनपुरी से सपा प्रत्याशी और वर्तमान सांसद डिंपल यादव की बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ठाकुर को लेकर दिए बयान सुनिए। मेरे पत्रकार साथी, हर चुनाव इंटरेस्टिंग होता है, और जिस क्षेत्र के बारे में आप बोल रहे हैं मैनपुरी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये वही मंत्री हैं जो कुछ दिन पहले खुद ही सपा को लाखों वोट से जिता रहे थे। और हम तो एक सच्चाई जानते हैं, जो मंत्री होता है उसे सांसद के रूप में दिल नहीं लगता है। पता नहीं बीजेपी के लोगों ने क्यों उनको दिल का तोड़ने का काम किया है, और हो सकता है वो उन्हें इसलिए चुनाव लड़ाया जा रहा हो कि बाद में कुछ और बड़ा पद मिले उन्हें। मैं समझती हूँ समाजवादी के कार्यकर्ता और पार्टी के सभी लोग ज़मीन पे हैं और कार्य कर रहे हैं, और कोई ना कोई कैंडिडेट तो भाजपा का आना ही था, तो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है कि जयवीर सिंह जी आए हैं। डिंपल यादव ने तो जयवीर के नाम पर कोई बड़ी टिप्पणी नहीं की, लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी उम्मीदवार पर निशाना साधा। अब आप मैनपुरी लोकसभा सीट के जातिगत समीकरण का हाल जानिए। जानकारी के मुताबिक मैनपुरी में शाक्य और ठाकुर समाज के वोटर बड़ी संख्या में हैं, और सबसे ज्यादा यादव मतदाता हैं। मैनपुरी में यादव मतदाताओं की संख्या करीब 3.5 लाख, ठाकुर वोटर की संख्या करीब 1,50,000, ब्राह्मण मतदाता करीब 1,20,000, शाक्य करीब 1,60,000, जाटव 1,40,000 और लोधी राजपूत करीब 1,00,000। साथ ही मुस्लिम और कुर्मी मतदाता भी करीब 1,00,000 की संख्या में है। ऐसे में मैनपुरी का मुकाबला खास होने वाला है। बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह ठाकुर की बात करें तो जयवीर का मैनपुरी से पुराना नाता है। वह मैनपुरी की घिरौर विधानसभा सीट से साल 2002 और साल 2007 में बीएसपी के टिकट पर विधायकी का चुनाव जीत चुके हैं, और बीते 2022 विधानसभा चुनाव में बतौर बीजेपी उम्मीदवार उन्होंने मैनपुरी विधानसभा सीट पर सपा के दो बार के विधायक राजकुमार यादव को हराया।
जिसके बाद उन्हें योगी कैबिनेट में भी शामिल किया गया और फिलहाल वो योगी सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। पर्यटन मंत्री बनने के बाद जयवीर सिंह ठाकुर ने मैनपुरी में धर्म स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण के कई विकास कार्य किए हैं, साथ ही इंटरनेशनल स्तर का ऑडिटोरियम और संग्रहालय के निर्माण की योजना भी मंजूर कराई है। जयवीर के इन्हीं विकास कार्यों को लेकर बीजेपी दम भर रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मैनपुरी की जंग में कौन बाजी मारता है। क्या डिंपल मुलायम परिवार की सीट को एक बार फिर सपा की झोली में डाल पाएंगी या फिर बीजेपी के जयवीर सिंह ठाकुर यहां नया इतिहास लिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।